कुछ समय पहले ही गॉडजिला एक्स कॉन्ग द न्यू एम्पायर की टेस्ट स्क्रीनिंग हुई थी, जहां मिस्टर एच नाम के एक यूट्यूबर के कुछ इनसाइडर्स भी मौजूद थे और उन्हीं की मदद से ये प्लॉट डिटेल्स सामने आई हैं। इन्हें केडीएम ने भी कंफर्म कर दिया है कि ये इंडीड ट्रू हैं। टेस्ट स्क्रीनिंग में मोस्ट ऑफ द सीजीआई इनकम्प्लीट थी, इसलिए चेंजेस के चांसेस अभी भी हैं। आप सभी के वोट्स के बाद ही मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। शुरू करने से पहले मैं मेजर स्पॉइलर वार्निंग देना चाहूँगा। गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग की घटना के कुछ साल बाद इस मूवी की शुरुआत होती है हॉलोर्थ से, जहाँ कॉन्ग कुछ जायंट जैकल टाइटन के पैक के साथ लड़ रहा है। कॉन्ग उन सबको ट्रैप कर लेता है। कॉन्ग हॉलोर्थ में काफ़ी अकेला महसूस करता है। वो छोटे से छोटी आवाज़ का पीछा करता है अपने जैसों को देखने के लिए, यानी दूसरे कॉन्ग्स को, पर उसे कुछ नहीं मिलता। मेका गॉडजिला वाली घटना के बाद लोग समझ चुके हैं कि गॉडजिला उनके लिए कोई खतरा नहीं है, बल्कि वो नेचर प्रोटेक्टर है। वो बस बेकाबू हुए टाइटन्स को डिफीट करने आता है। मूवी की शुरुआत में गॉडजिला और एक टाइटन के साथ फाइट होती है। उस टाइटन का नाम है अरैकनिक। इन दोनों की फाइट रोम में होती है। अरैकनिक को हराने के बाद गॉडजिला वहीं रोम में ही हाइबरनेशन में चला जाता है अपनी एनर्जी को रिकवर करने के लिए। दूसरी तरफ हॉलोअर्थ में कॉन्ग गलती से इस रेड ओरैंगोटैंग टाइटन को आज़ाद कर देता है, जिसका फिलहाल नाम है स्कारकिंग, जो एक ईविल टाइटन है। इसके पास टाइटन एप्स की आर्मी है, साथ ही साथ एक वेपन भी जो चाबुक जैसा है। ये वेपन दूसरे टाइटन्स की बोन से बना है। इसका सबसे मेन और ख़तरनाक हथियार है ये टाइटन, जिसका नाम है शीमू। इस टाइटन को पिछले साल सीओडी गेम में टीज किया गया था, पर कोई भी इस टीज को समझ नहीं पाया। शीमू पूरी दुनिया को बर्फ में जमाने की ताकत रखता है। स्कारकिंग इस टाइटन को कंट्रोल कर सकता है, क्योंकि स्कारकिंग के वेपन में इस टाइटन का एक क्रिस्टल लगा हुआ है। शीमू के बैक पर क्रिस्टल जैसे डॉर्सल प्लेट लगे हुए हैं और ये आइस ब्रीथ मार सकता है, यानी ये अपने एनिमीज को फ्रीज कर सकता है। शीमू टाइटन हिस्ट्री का सबसे पहला टाइटन है। स्कारकिंग पहले एक अच्छा टाइटन था, पर ताकत की भूख ने इसे इविल बना दिया। बहुत पहले गॉडजिला ने ही इस स्कारकिंग और उसकी आर्मी को डिफीट किया था और इन्हें हॉलोअर्थ में कैद कर दिया था। चूँकि अब वो आज़ाद हो चुका है, तो वो गॉडजिला से बदला लेना चाहता है, साथ ही साथ सरफेस वर्ल्ड पर कब्जा करना चाहता है शीमू की मदद से, पूरी अर्थ को फ्रीज करके। रोम में गॉडजिला अपनी स्लीप से जाग जाता है, क्योंकि उसे हॉलोअर्थ से एनर्जी सिग्नल्स मिल रहे थे। स्कारकिंग की आर्मी से एक बेबी एप को कॉन्ग कैप्चर कर लेता है और उसे अपना फ्रेंड बना लेता है। इस बेबी एप का नाम है सुको। कॉन्ग और सुको के बीच एक फादर सन जैसा रिलेशन रहेगा मूवी में। यही वो रीज़न है कि इस मूवी को बहुत पहले सन ऑफ कॉन्ग बुलाया जा रहा था, क्योंकि कॉन्ग एक बेबी एप को अडॉप्ट करेगा। इस मूवी में गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग मूवी से ज़्यादा साईफाई चीज़ें हैं। फाइनल बैटल के दौरान मोनार्क कॉन्ग को साइबरनेटिक इन्हेंसमेंट देगी, जिससे कि उसकी ताकत और बढ़ सके। तो इतनी प्लॉट डिटेल्स सामने आई हैं। फाइनल बैटल के बारे ज़्यादा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। इस मूवी का प्लॉट सुनने में काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है। होपफुली इन सब का एग्जीक्यूशन अच्छा होगा। फिलहाल टेस्ट स्क्रीनिंग के बाद कोई भी बैड रिव्यूज़ देखने को नहीं मिले हैं, जो कि काफ़ी अच्छा है। मुझे कमेंट्स में अपने ओपिनियन ज़रूर बताइएगा। तो बस आज के लिए इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर से लाइक कीजिए, और फ्यूचर में इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूँ अगले नए वीडियो के साथ।